नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर गंगा नदी में चलने वाली पानी की जहाज को लेकर है, जिसका परिचालन 9 अप्रैल से फिर एक बार शुरू हो जाएगा। साहिबगंज मनिहारी अंतर राज्य फेरी सेवा के तहत शनिवार से यात्री एवं मालवाहक जहाजों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए बिहार के कटिहार जिला प्रशासन ने शुक्रवार को फेरी सेवा के संचालन के लिए नाव यातायात सहयोग समिति साहिबगंज को परवाना जारी कर दिया है। दरअसल रोटेशन सिस्टम के तहत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए बिहार के कटिहार जिला प्रशासन ने बीते 14 मार्च को खुली डाक में 8.52 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के राजस्व पर फेरी सेवा की बंदोबस्ती प्राथमिकता के आधार पर नाव यातायात सहयोग समिति साहिबगंज को की थी। प्रावधान के अनुसार नए वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से फेरी सेवा के संचालन को लेकर 31 मार्च से पहले कटिहार जिला प्रशासन के द्वारा बंदोबस्ती प्राप्त करने वाले लेसी को परवाना जारी किया जाना था, लेकिन इसी बीच में 24 मार्च को फेरी सेवा के तहत ट्रकों को ले जाने के क्रम में एक मालवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में मालवाहक जहाज से गिरकर 4 ट्रक के साथ साथ 2 चालक और खलासी गंगा में डूब गया था। घटना के बाद से बीते 25 मार्च से ही मालवाहक जहाज का परिचालन बंद रखा गया था। वहीं यात्री जहाजों का सेवा 31 मार्च तक जारी रखा गया था। नए वित्तीय वर्ष के लिए कटिहार जिला प्रशासन के द्वारा फेरी सेवा के संचालन के लिए परवाना निर्गत नहीं किए जाने के चलते 1 अप्रैल से यात्री जहाज का परिचालन भी पूरी तरह से बंद हो गया था। इससे प्रतिदिन झारखंड से बिहार और बिहार से झारखंड आवागमन करने वाले हजारों लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। लोगों को यात्रा करने के लिए जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेना पड़ रहा था। वहीं मालवाहक जहाज का परिचालन बंद रहने से साहिबगंज और उसके आसपास के इलाके में संचालित पत्थर व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित था। पत्थर उद्योग से जुड़े 50,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में एक बार फिर से फेरी सेवा के तहत मालवाहक और यात्री जहाजों का परिचालन शुरू होने से झारखंड से बिहार और बिहार से झारखंड आवागमन करने वाले हजारों लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पत्थर उद्योग से जुड़े लोगों के लिए को भी अब राहत मिलेगा। इसके साथ ही यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगा। लगभग 12 दिनों से बंद परिचालन के चलते यात्रा करने वाली यात्री जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार करने को मजबूर थे, अब लोगों को राहत मिलेगी। साहिबगंज से प्रवीण कुमार, स्टार।